नमस्कार, मैं हूं नेहा सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। बिहार में शादियों के दिनों में बाहर ही बाहर है। इन दिनों गोपालगंज के एक दूल्हा और फिलीपींस की दुल्हनिया की खूब चर्चा हो रही है। जी हां, दूल्हा बिहार के एक गांव से ताल्लुक रखता है और दुल्हन फिलीपींस से आई है, तो जाहिर है चर्चा तो होगी ही। दोनों की प्रेम कहानी आपको फिल्मी लगेगी, लेकिन ये हकीकत है। तो चलिए जानते हैं दोनों की लव स्टोरी कैसे और कहां परवान चढ़ी और कैसे शादी सुर्खियों में आ गई। गोपालगंज के फुलवड़िया प्रखंड के मुरार बतराहा गांव में प्यार के इन दीवानों की जमकर चर्चा हो रही है। बतराहा गांव के रहने वाले धीरज प्रसाद से शादी करने के लिए उनकी प्रेमिका विदेश से चली आई। 18 मई की रात दो प्यार करने वाले शादी के बंधन में बंध गए और जीवन भर के लिए एक दूसरे के हो गए। दुल्हन का नाम है विल्मुन डुमरा, जो फिलीपींस में पली बड़ी है। विल्मुन को ना ही हिंदी आती है और ना ही हिंदू धर्म की रीति रिवाज के बारे में वो जानती हैं, लेकिन अपने प्यार के खातिर वो अपने देश से बिहार के गोपालगंज चली आई। विल्मुन ने यहाँ अपने प्रेमी धीरज प्रसाद से शादी हिंदू रीति रिवाज और पूरे विधि विधान के साथ शादी की। दोनों की मुलाकात फिलीपींस में ही हुई थी। धीरज और विल्मुन डुमरा फिलीपींस में ही नौकरी करते हैं। धीरज होटल के मैनेजर है तो लड़की मार्केटिंग डीलर है। परिजनों के मुताबिक विल्मुन डुमरा अपनी शादी में स्पेशल वीजा लेकर भारत आई हैं। उनके माता पिता को वीजा नहीं मिल पाने से वह शादी में शरीक नहीं हो पाए। विल्मुन डुमरा ने कहा कि धीरज वहां काम करता था, उससे मुलाकात हुई और धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। वह दिल दे बैठी और अब शादी कर ली। इस शादी के बाद धीरज प्रसाद के परिवार वाले और गांव वाले खुश हैं। धीरज के भाई नीरज और पंकज ने कहा कि भाई ने जो किया है काफी अच्छा किया है, हम सब उनके साथ हैं। शादी में शामिल हुए लोगों ने उन्हें खूब आशीर्वाद दिया और कहा कि आज दुनिया बदल रही है, हमें भी आगे बढ़ना होगा और बदलना होगा। तो ये थी सात समंदर पार करके अपने प्रेमी से शादी रचाने वाली विल्मुन डुमरा और धीरज की प्रेम कहानी। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ।